स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर, आई एम सर दीक्षित एंड माय डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माय डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जरा ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑप्टिक्स की हम कई सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, ऐसे करके हमने बहुत चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले याद रखिएगा कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस से बनके कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना होता है माय डियर स्टूडेंट्स। लेंसेस को एक्सली सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक है, पहले हम समझ ले क्या होता है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंसेस से बना होता है जिसके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, डिस्टेंस सम डिस्टेंस द लेंस, ठीक है, द लेंस नियरर टू द, ठीक है, नियरर टू द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के नियरर होता है इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। जो लेंस ऑब्जेक्ट के नियरर होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो लेंस नियरर टू द ह्यूमन आई, ठीक है, नियरर टू द ह्यूमन आई या फिर फाइनल इमेज इज नोन एज आई पीस, क्या, पीस। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स कह रहा है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज कोएक्सियली सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, द लेंसेज नियरर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला तो टर्म हो गया कि जो पहला लेंस है उसे क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखो, पहला लेंस जो है उसे ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं। ठीक है, एंड द लेंस नियरर टू द फाइनल इमेज इज नोन एज द आई पीस, यानी कि जो सेकेंड लेंस है उसे हम क्या कह रहे हैं, आई पीस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें दिमाग में बैठा लो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब हम बनाएंगे तो दो लेंसेस लेकर बनाएंगे, और जिसमें से एक का नाम होगा ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नाम होगा आईपीस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब इसके डायग्राम को जनरेट करते हैं। ठीक है, इसके डायग्राम को जनरेट करते हैं यानी कि बनाते हैं। तो इसके डायग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि आपने जो समझा वो आपको आना चाहिए। देखिए, सपोज कर लीजिए ये फर्स्ट लेंस है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट लेंस है, एंड दैट इज माय डियर सन सेकंड लेंस। कभी भी जिसे चीज से हमें देखना होता है उसे हम बढ़ा लेते हैं ताकि वो हमारा जो मैग्निफिकेशन आता है, m की जो वैल्यू आती है वो क्लियर आती है माय डियर सन। ठीक है, यानी कि जो आई पीस लिया है हमने बढ़ा लिया है। अब देखो, मान लो ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रख दिया, अब हमने ऑब्जेक्ट ए और बी यहां पे रख दिया, हमने कहा जो ऑब्जेक्ट के नियरर होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ये लेंस कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव। अब देखो, जो फाइनल इमेज बनाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज इधर बनेगा तो फाइनल इमेज कौन बनाएगा, ये, यानी कि ये क्या है, आई पीस है। ठीक है, दोनों लेंस क्लियर। अब देखना हमने क्या किया, ये दोनों लेंस क्लियर कर लिया। अब यहां से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक रे आएगी, सपोज करिए एक रे आ रही है, पैरेलल है। ठीक है, ये क्या है, इसके पैरेलल है माय डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल ही आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है, ये इसका फोकस हो गया। ठीक है, ये इसका फोकस हो गया। अब देखो,
एक क्या कर रहा है, इसके सेंटर से भेज दे रहा है, इस लेंस के सेंटर से, तो ऐसे गई, ठीक है, तो कुछ ऐसे जाएगी, और ये वाली भी कुछ ऐसे ही आ रही है। दोनों यहां पर मीट करके क्या करेंगी, ट्रांस बनाएंगी, ऐसे एक जाएगी, एक ऐसे जाएगी, ठीक है, मिली है यहां पर, इतना क्लियर है। अब देखो, अगर यहाँ पे मिली है माय डियर सन्स, तो यहाँ पे भी एक हाइट मान लेते हैं, यहाँ पे ए बी लिया है, तो यहाँ पे इस बेस का बी डैश ले लेते हैं, इस हाइट का ए डैश ले लेते हैं, इज इट क्लियर। देखो ए डैश ए बी लिया है, तो ए डैश बी डैश ले लिया, ठीक है, हाइट को ए डैश ले लिया, बेस पे बी डैश ले लिया। अब क्या करते हैं, इसे हम इस लेंस के थ्रू करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये रे ऐसे जाएगी, जाएगी, ठीक है। अब बस देखो, हमारा काम यही था। अब हमने क्या किया, यहां पर इसे सपोज किया, सपोज किया है इस रे को, ठीक ना, यहां से मिला दिया, बस काम खत्म। अब देखना माय डिस्टेंस, यहां पे कुछ हाइट है, यहां पे कुछ हाइट है। अगर हम इमेजिन करें कि ये जो चीज हमें, मान लो यहां पे क्या है, हमारी हमारी आईज है, ये हमारी आंखें हैं, जिससे हम क्या करेंगे मेडिसिन, इस चीज को देखेंगे, जो चीज यहां पर आप यहां पर रखे होंगे, ठीक है, उस चीज को हम यहां पे देखेंगे, लेकिन हमें इमेजिन कहाँ होगा मेडिसिन, हमें इमेजिन होगा कि हम इधर इधर देख रहे हैं इसे, ठीक यहां पर, मान लो हमें इमेजिन हो रहा कि हम तो यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो, हमने ए माना, बी माना, इसे ए डैश माना, बी डैश माना, तो इसकी हाइट को क्या मान लेते हैं, ए डबल डैश, इसके बेस को मान लेते हैं बी डबल डैश, ठीक है। फिगर कंफर्म हुआ, फिगर कंफर्म हुआ माय डिस्टेंस। चलिए हम नेमिंग दे देते हैं, नेमिंग दे दिया जाए, इस सेंटर को दे दीजिए C1, इस सेंटर को दे दीजिए C2, इज इट क्लियर। अब देखो डायरेक्शन दिखा दो, इसमें ऐसे गया, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहां से ये दोनों इधर आए, इतना कंफर्म, ये दोनों इधर गए, ये लाइट रेज यहां से शुरू हुई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर, फिर यहां, यहां से रिफ्लेक्ट होकर आईज के पास, ठीक है, अभी आईज से हम देख रहे हैं, इतना कंफर्म हुआ। देखो माय डिस्टेंस एक बार फिर से दिखाते हैं कि ए और बी एक हाइट है, जिसमें से दो लेंसेज हमने लगाए रखे हैं। अब यहां से लाइट रे क्या हो रही है, निकल रही है, तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से पास हुई दोनों रेज, तो मीट करती हैं ए डैश बी डैश पर, फिर यहां से आगे जब रे बढ़ती है, तो आई पीस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद क्या होगा, ये आईज के पास पहुंचेंगी हमारे, तो ये ह्यूमन आई है, ह्यूमन, ये है ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन आई है, तो मेडिसिन ह्यूमन आई से हमें दिख का रहा है, इमेजिन कर रहा है कि यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं उसके सीधा सपोर्ट करते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पे है। अब देखना मेडिसिन, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये दिखाया, ठीक है, कि अगर हम सपोज करें तो एम यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ठीक है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हम क्या इसमें सपोज कर लेते हैं पहले कि C1 और C2 जो है वो नियरर एट नियरर है, यानी कि पास में है, ठीक है माय डिस्टेंस। अब देखना, अब हम अगर क्या करें, इस फिगर को नोट कर लियो तो मिटा दो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिगर को देखकर ही सब काम होगा, मिटा देते हैं, चलिए आगे बढ़िए, आ जाइए माय डिस्टेंस। अब देखना, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल E1C2B" क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू, वहां पे क्या था, A'B" था, अपॉन C2B" इज इक्वल टू AB C2B", इज इट क्लियर। अब देखो इसी तरह इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल में ले लो A"'
ये डैश है, ठीक है, ए डबल डैश सी टू बी डबल डैश, ये हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा नहीं यहाँ पे बीटा होगा ना क्योंकि ये बीटा वाला था, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू सी टू बी डबल डैश, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू, लिखेंगे नहीं इसको ऐसे ही छोड़ दो, देखो ये दो चीजें बन गई, टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है, टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं सिंपली एम इज इक्वल टू होता है टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, क्या होता है टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन अल्फा और टेन बीटा से, देखो ये टेन अल्फा टेन बीटा ये डबल डैश है, ये सी टू बी डबल डैश, सी टू बी डबल डैश का काम खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या ए डबल डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू ए बी, समझ तो आया ना, समझ में आया ना, अरे क्या था एम इज इक्वल टू था टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा था, ये टेन अल्फा है, ठीक है ये टेन अल्फा है ये टेन बीटा है, हमने क्या कर दिया इस, देखो सी टू बी से सी टू बी डबल डैश खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, तो वही एम की वैल्यू हो गई, एम की वैल्यू क्या हुई वही हो गई। अब देखो हमें एम की वैल्यू पता चल गई, तो अगर हमें एम की वैल्यू पता चल जाती है तो हम हर चीज फाइंड कर सकते हैं किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, देखना जरा मेडिसन, तो मल्टीप्लाइंग विथ जो एम की वैल्यू आई थी उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग विथ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई करते हैं तो एम इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, देखो पहला तो क्या है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी है, इनटू हमने क्या किया ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा एम इज इक्वल टू एम ई प्लस एम ओ, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस प्लस मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, दो लेंस हमने लिया था, ठीक है दो लेंस हमने लिया था, दोनों लेंस का क्या हो गया मैग्निफिकेशन प्लस करेंगे तो टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा, क्या ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब देखना माय डिस्टेंस, यहां से हम लिख सकते हैं कि एम ओ इज इक्वल टू प्लस वी ओ अपॉन माइनस यू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, और इसे लिखना पड़े आईपीस के लिए, तो एम ई इज इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है फोकस ऑफ आईपीस, ठीक है फोकस ऑफ आईपीस, डी क्या है लीस्ट डिस्टेंस विजन, लीस्ट डिस्टेंस विजन कितना होता है याद रखना 25 सेंटीमीटर होता है इन ह्यूमन, ये क्वेश्चन बहुत बार एनडीए सीडीएस वाले एग्जाम में पूछता है, एयरफोर्स में पूछता है, ठीक है 25 सेंटीमीटर होता है डी की वैल्यू, यही डी की वैल्यू पूछता है, ठीक ना, ये जो डी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है एम ई, एम ई में ये जो डी की वैल्यू दिखाई दे रही है यही पूछता है कि लीस्ट डिस्टेंस विजन क्या होता है, तो डी इज इक्वल टू होता है 25 सेंटीमीटर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है मेडिसन, तो ये क्या हो गया, ये जो आ गया हमारा ये एम की वैल्यू एम ओ की वैल्यू और एम ई की वैल्यू आ गई, ठीक है एम इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो अब हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, लिखेंगे एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ठीक है इन ब्रैकेट वन प्लस डी अपॉन एफ ई, या तो हम इस चीज को ऐसे लिख दें, ठीक है मैग्निफिकेशन इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम इसे ऐसे लिख दें, या फिर हम क्या करें माय डियर, इसी चीज को एम इज इक्वल टू इस माइनस से फ्री करने के लिए मॉड में डाल दें, वी ओ अपॉन यू ओ ब्रैकेट में वन प्लस डी अपॉन एफ ई, या तो फिर हम क्या कर दें ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखे, दोनों के दोनों चीजें हमारी सही होंगी मेडिसन, ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।